नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज मीट एट जयपुर। अभी कुछ दिन पहले एक मीट ऑर्गेनाइज करा गया ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के द्वारा, जिसमें लॉ मिनिस्टर, CJI और भी ऑनरेबल जजेस वहाँ पर मौजूद थे। इस मीटिंग में क्या हुआ, क्या बातें हुई, क्या क्या भाषणबाजी हुई, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। चार ऐसे पॉइंट जो हर किसी को जानना चाहिए, क्या इसमें कहा गया और उसका आंसर क्या दिया गया, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला बात, जो लॉ मिनिस्टर, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ने कहा कि हमारे देश में 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, और आज जब पूरा देश 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहा है, तब भी 5 करोड़ से ज़्यादा मामलात पेंडिंग हैं न्यायालयों में, और इसके लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव दोनों साथ में मिलकर के काम करें, तभी ये सॉल्व हो सकता है। ये माननीय लॉ मिनिस्टर के भाषण में ये चीज़ें कही गई थी। इसी का जवाब माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चूंकि उसी मीट में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिएक्ट टू वन और टू थिंग्स विच द लॉ मिनिस्टर हैज़ मेंशनड। और माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आई एम ग्लैड दैट ही हैज़ टेकन अप द इशू ऑफ पेंडेंसी ऑफ द केसेस। वी जजेज ऑल्सो वेन गो आउटसाइड द कंट्री, वी ऑल्सो फेस द सेम क्वेश्चन। जब ये देश से बाहर जाते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसा रहता है कि आपके देश में तो 5 करोड़ से ज़्यादा मामलात पेंडिंग हैं, कैसे काम होगा, हाउ मेनी ईयर्स, कब तक। और उसके बाद माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि यू ऑल नो द मेजर इंपॉर्टेंट रीजन इज नॉन फिलिंग अप द जुडिशियल वैकेंसीज एंड नॉट इम्प्रूविंग द जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। माननीय लॉ मिनिस्टर ने तो बड़े आसानी से बोल दिया कि केसेस पेंडिंग है, हर कोई बोल देता है केसेस पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है, वाई दीज केसेस आर पेंडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ, वाई। माननीय चीफ जस्टिस का कहना है इसका सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है कि आप जुडिशियल जो वैकेंसीज हैं जुडिशियल ऑफिसर का, आप उसको भरते नहीं हैं। किसकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उन तमाम पोस्ट को भरा जाए। फिर एक और दूसरा बात उठ करके आया कि 3.5 लाख प्रिजनर्स आर अंडर ट्रायल। हमारे देश में 3.5 लाख प्रिजनर्स जो अंडर ट्रायल हैं, और जब अंडर ट्रायल हैं तो उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। जेल तो उनके लिए है बेसिकली जो कन्विक्टेड पर्सन हैं, किसी न्यायालय के द्वारा उनको कन्विक्शन किया गया है, लेकिन जब तक कन्विक्शन नहीं हो जाता तब तक उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी 3.5 लाख, माननीय लॉ मिनिस्टर ऐसा कहते हैं। क्यों है ऐसा, क्यों है? सबसे पहली बात तो यह है कि आखिर इनको अंदर पहुंचाया किसने, इनको अंदर जेल में किसने पहुंचाया, पुलिस ने, आफी के डिपार्टमेंट वालों ने, गवर्नमेंट ने इसे जेल में पहुंचाया, और अब कह रहे हैं कि भैया इतने लोग भर गए अंदर, क्यों पकड़ा था इन्हें, क्या जरूरी था अरेस्ट करना। कई ऐसे मामलात हैं जहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने कहा है कि पुलिस कंप्लाई नहीं करती सेक्शन 41A ऑफ द CRPC का जो प्रोविजन है उसको करती नहीं। अभी रिसेंटली बेल पे पूरा लंबा गाइडलाइन आया है, मैं आगे वीडियो बनाऊंगा उस पर। तो कंप्लाई पुलिस नहीं कर रही है, आपका डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, और ये नॉन कंप्लायंस के कारण ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जेलों में सड़ रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सिर्फ भाषणबाजी करने से तो नहीं होगा ना, काम भी तो करना पड़ेगा। अब इतने लोग हैं, इसके लिए इन्होंने कहा कि रिव्यू कमेटी बनी है जो डिस्ट्रिक्ट जजेस की अध्यक्षता में ये चीज़ें होती है, वो बात ठीक है, वो बात समझ में आती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यदि हम 41 का नोटिस देते हैं, 41A क्या है नोटिस, इसको भी समझ लेते हैं। 41A का नोटिस जो CRPC का है वो सिंपल ये कहता है कि वैसा ऑफेंस जिसका पनिशमेंट अप टू 7 ईयर्स है, वैसे मामलात में डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उस स्थिति में आपको नोटिस दिया जाएगा, और उस नोटिस का यदि आप कंप्लाई करते हैं तो आपको अरेस्ट बिल्कुल नहीं किया जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, आप किसी को भी पकड़ के उठा करके जेल में बंद कर देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है 3.5 लाख तो होंगे ना अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, आप कंप्लाई नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये तो होना ही है। अगला जो क्वेश्चन यहां पे उठ के आया है वो है एग्जॉर्बिटेंट फी ऑफ लॉयर्स। माननीय लॉ मिनिस्टर ये कहते हैं कि जो लॉयर्स हैं काफी ज्यादा हाई चार्ज करते हैं, और ये कह रहे हैं कि ये जो एग्जॉर्बिटेंट फी ऑफ द लॉयर है बेसिकली ये ऑब्स्ट्रक्शन है द एक्सेस टू जस्टिस फॉर अ कॉमन मैन। एक कॉमन मैन नहीं, जस्टिस नहीं मिलना उसको यदि इस तरीके का फी होगा। फिर कहते हैं कि पीपल हु आर वेल्दी एंड रिसोर्सफुल गेट गुड लॉयर्स, ये यहाँ पे लॉ मिनिस्टर के द्वारा कहा जा रहा है। फिर कहते हैं कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट मेनी लॉयर्स आर अनअफोर्डेबल फॉर अ कॉमन मैन, दे चार्ज 10 to 15 lakh पर हियरिंग एंड अ कॉमन मैन कैनॉट पे। ठीक है, इस बात से हम इत्तफाक रखते हैं कि कुछ ऐसे वकील हैं जो काफ़ी ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं, और ख़ास करके दिल्ली में फी ज़्यादा लेते हैं वकील। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काबिलियत है, यहाँ पे लॉयर्स के पास स्किल है, वो स्किल मेहनत से सीखा है, फ्री में तो नहीं करेंगे। लेकिन फिर क्वेश्चन आएगा कि भाई फ्री में भी करना चाहिए,
मैं कहूंगा बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कैसे? फ्री में यदि सारे केसेस करेंगे तो काम नहीं चलने वाला। ऑफिस का खर्चा है, आपके अंडर 50 स्टाफ काम कर रहे हैं, उनको पैसे देने हैं, बहुत तरीके की बातें हैं। तो कैसे होगा भाई? आप प्रो बोनो वर्क कीजिए, महीने में 2-4 केस कर लीजिए, फ्री में कर दीजिए, आपकी मर्जी है कर दीजिए। देखिए, वकालत एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, इंडिपेंडेंट पेशा है। गवर्नमेंट हमें ये कंपेल नहीं कर सकती कि आप इनका केस कर दो, उनका केस कर दो, इनका आधा पैसा लेना, इनको फ्री में कर देना। नो, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं किसका फ्री में करूंगा, किससे पैसा लूंगा। आपको कराना है कराओ, नहीं कराना मत कराओ, इट्स ओके। दूसरा बात ये कि जो एग्जॉर्बिटेंट फी ले रहे हैं, कितने ऐसे वकील हैं? गिने चुने होंगे जो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख पर हियरिंग लेते हैं। लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे कितने होंगे? गिने चुने होंगे। एक कॉमन मैन को उसी से, वही लॉयर से जो एग्जॉर्बिटेंट फी ले रहे हैं, उसी से क्यों कराना केस? और भी बहुत सारे वकील हैं जो एफोर्डेबल प्राइस में करते हैं काम, एफोर्डेबल फ्री में करते हैं काम, उनका फी आप दीजिए। नहीं हो रहा है तो आप रिक्वेस्ट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग करें। किसी भी तरीके से आप उनको कंपेल नहीं कर सकते कि आप मेरा केस फ्री में कर दीजिए, इंडिपेंडेंट है। क्या किसी डॉक्टर को आप कंपेल कर सकते हैं कि मेरा ऑपरेशन आप फ्री में कर दीजिए? नहीं कर सकते। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, अस्पताल बना दिया, वहां पे डॉक्टर्स को अपने पे रोल पे रख लिया कि पैसा मैं दूंगा तुम्हें, तुम काम करो। आप ऐसा ही कोई सिस्टम ले आइए, एडवोकेट्स को हायर कर दीजिए और बोलिए कि भाई पैसा मैं दूंगा, गवर्नमेंट देगी, कॉमन मैन के लिए आप रिप्रेजेंट करें, कर दीजिए ना, कौन मना किया है। ऐसे वकील को हायर कर दीजिए आप, डॉक्टर्स को किया है ना अस्पताल में, तो वकीलों को भी कर लो ना, कॉमन मैन के लिए कर सकते हैं। तो ये बात कहना कि एग्जॉर्बिटेंट फी करते हैं, कुछ लॉयर करते हैं, तो उनके अलावा भी लाखों लॉयर्स हैं भाई, उनसे काम करा लीजिए। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये बोलने में कि एग्जॉर्बिटेंट फी चार्ज करते हैं लॉयर, आप उनको कंपेल नहीं कर सकते, ना तो लॉ बना करके कर सकते हैं, ना तो वैसे कर सकते हैं। एक ही तरीका है कि कॉमन मैन को परेशानी नहीं हो, उनको भी अच्छा एडवोकेट मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट कोई प्रयास करे, और प्रयास किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। नालसा डालसा बहुत सारे आजकल चीज़ें हैं जहाँ पे आपको फ्री में एडवोकेट मुहैया कराया जाता है। तो उस तरीके से कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें वकीलों को गवर्नमेंट हायर करे, कॉमन मैन को पैसा देने की जरूरत ही नहीं है, गवर्नमेंट देगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रॉमिस करा है कि अपने राज्य में जो कॉमन मैन है, जो गरीब हैं, उनको वो सशक्त बनाएगी। तो अभी सी बात है, या तो उनको इतना पढ़ा लिखा दो कि वो अपना वकालत खुद कर सकें, और नहीं तो आप वकीलों को हायर करो और उनको न्याय दिलाओ। यही रास्ता है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है प्रेजेंट मौजूदा सिस्टम में, यही हो सकता है। आप किसी वकील को कंपेल नहीं कर सकते कि तुम फ्री में करो इसका काम, नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है। फिर एक और बात उठा कि जो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जो आर्गूमेंट्स है, जजमेंट्स है, वो इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में नहीं होना चाहिए भाई, रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आर्गूमेंट्स एंड जजमेंट्स आर इन इंग्लिश, वी हैव अ थॉट दैट हाई कोर्ट्स एंड ट्रायल कोर्ट्स देयर इज नीड टू गिव प्राइमेसी फॉर रीजनल लैंग्वेजेस। इत्तफाक रखता हूँ कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ये एक रूल नहीं होना चाहिए, एक्सेप्शन के तौर पर काम किया जा सकता है। अब रूल नहीं बना दीजिए सुप्रीम कोर्ट के, भैया हिंदी ही चलेगी, बाकी कोई लैंग्वेज ही नहीं चलेगी, नहीं 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 नहीं, ये गलत होगा। गलत क्यों होगा? इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, सिर्फ अपने ही देश में नहीं, विदेशों में भी पढ़ते हैं लोग। दूसरी जो न्यायालय है दूसरे कंट्री की, आपको कई ऐसे जजमेंट मैं बता सकता हूँ जहाँ पे दूसरे न्यायालय ने हमारे जजमेंट्स को एग्जैक्टली कोट किया और कहा कि भाई अपने देश में हम भी ऐसा करेंगे। हम कई सारे दूसरे ऐसे कंट्री हैं, यूएस सुप्रीम कोर्ट है, ब्रिटिश कोर्ट है, वहां से हम उसको इम्बाइब करते हैं। पूरा जो स्टडी मटेरियल है, ज़्यादातर अच्छा स्टडी मटेरियल इंग्लिश में लिखा गया है, आप एकाएक हिंदी नहीं कर सकते, ऑप्शनल कर सकते हैं। हाँ, एक जेन्युइन क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि कई सारे ऐसे वकील हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, कोई बात नहीं, आप परमिशन ले लीजिए माननीय कोर्ट से, मिलोड मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी में आर्गूमेंट करने की इजाज़त दी जाए। मुझे लगता है कि शायद ही ऐसा कोई जज होंगे इस कंट्री में जो आपको मना करेंगे, नहीं करेंगे, आप करके तो देखिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदी को रूल बना दो, सिर्फ हिंदी में ही हो सारी चीज़ें होंगी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उन वकीलों के लिए जो इंग्लिश में बिल्कुल फ्लुएंट हैं, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग करते हैं, उनको एकाएक बोल दिया हिंदी में कर दो, उर्दू में कर दो, नहीं है। हाँ, जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम है, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, उनको ऐसा किया जा सकता है, परमिशन दिया जा सकता है, इसके लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है मैं यूपी में एक केस कर रहा था, मैं इंग्लिश में सारा कुछ ड्राफ्ट करके दिया, सारा कुछ दिया, कन्विंस कर दिया जज को, सब कुछ कर दिया, कोर्ट ने मान भी लिया कि हाँ जी ऑर्डर आपके फेवर में पास करूंगा। और जब ऑर्डर पास करने की बात आई तो भाई रजिस्ट्री से फोन आया, साहब आप जो पिटीशन दिए हैं ना इसका एक हिंदी वर्जन दीजिए। बोले कितना ट्रॉमेटिक है, हिंदी वर्जन दीजिए, क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ गया हिंदी का, कि जैसे आपको समझ में नहीं आई, कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं, फिर भी देना है तो देना है जी। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे जो कंफर्टेबल है वो कर सकता है, ऐसा होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बेसिकली इस वीडियो में हम 3-4 चीज़ लॉ से रिलेटेड जो है वो सीखने का प्रयास किए हैं। पहला तो यह है कि केस पेंडेंसी क्यों है,
इसके पीछे रीजंस माननीय चीफ जस्टिस ने बता दिया यहां पे। दूसरा कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स 3.5 लाख क्यों हैं, क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी हमने कोई जरूर सीखा है। एक्सॉर्बिटेंट फी ऑफ द लॉयर्स जो बात हमने करी है, तो उसमें हमने ये देखा कि एक्सॉर्बिटेंट फी लेने वाले वकील कुछ ही हैं, ज़्यादा वकील जो है एक अफोर्डेबल फी पे काम करते हैं। बट फिर भी कॉमन मैन को ऑब्वियस सी बात है जस्टिस मिलने में परेशानी ज़रूर होती है, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि अच्छे वकील उनको नहीं मिल पाते हैं। तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि ऐसे अच्छे वकील को वो हायर करे और कॉमन मैन को उन्हें रिक्वेस्ट करे कि आप इनके लिए लड़ें। और इस पर कई दिशा में काम हो रही है, जैसे मैंने डालसा और नालसा की बात करी, जहाँ पर एक गरीब व्यक्ति अब कोर्ट में बस एक अप्लीकेशन लगाना है कि मैं पे नहीं कर सकता फी एडवोकेट, इसलिए मुझे स्टेट के एक्सपेंस पे एडवोकेट प्रोवाइड करा जाए, और ये चीज़ें अब संभव है। इसको और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, ऐसा यदि गवर्नमेंट करती है तो ज़रूर आम व्यक्ति को भी न्याय मिलने में सहायता मिलेगी। और लास्ट में लैंग्वेज की बात हमने करी, लैंग्वेज में ऐसा कहा गया कि जो रीजनल लैंग्वेज है उसको बढ़ावा दिया जाए, मैं इस बात से एग्री करता हूँ बढ़ावा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एज अ मैटर ऑफ रूल आप कॉमन लैंग्वेज को अब बढ़ावा देंगे। जहाँ एक्सेप्शन की ज़रूरत आएगी वहाँ पे एक ऐसा एडवोकेट जो इंग्लिश में आर्गूमेंट नहीं कर पा रहा है, ऑब्वियस सी बात है आप उनको हिंदी में आर्गूमेंट करने के लिए आप बोल सकते हैं, लेकिन पूरा कोर्ट का लैंग्वेज हिंदी कर देना या फिर उर्दू कर देना, संस्कृत कर देना, ये मेरे ख्याल से एक प्लॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके का ऑथेंटिक लीगल जानकारी आपके डोरस्टेप तक पहुँचता रहे। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।